कोरोना से डरो नहीं, सिर्फ सावधान रहो। एबीपी गंगा सभी दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना को लेकर किसी तरह के डर और घबराहट में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अफवाहों में आकर सामानों की गैर जरूरी खरीद करने की जरूरत भी नहीं है। साफ सफाई रखें और भीड़ भाड़ से पर्याप्त दूरी बनाकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्रा और हर वक्त हर तरह की स्वच्छता ही कोरोना के खात्मे का सबसे दमदार तरीका है, यानी सफाई रखें, सेहतमंद रहें। तो खबरों की शुरुआत करें और बड़ी खबर आपको बताएं, उससे पहले एबीपी गंगा की अपील है आप सभी से कि लॉकडाउन का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुरक्षित है। हमारी अगर आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो हम भी अपने घर पर होते और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होते। और बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण से जुड़ी यह बड़ी खबर है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 499 पहुंच गई है। अब तक 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। यूपी में 33 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 499 पहुंच गई है कोरोना मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो अकेले उत्तर प्रदेश में 33 मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। तो आपकी सावधानी ऐसे नाजुक वक्त में बहुत जरूरी है और आप सभी को यह समझना होगा कि सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो आपकी, हमारी और इस देश की बेहतरी के लिए है। अगर लॉकडाउन किया गया है आपके शहर को तो इस लॉकडाउन का महत्व आपको समझना होगा। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो अपने घरों में रहिए, अपनों को सुरक्षित करिए, अपने आप को सुरक्षित करिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। अपना 1 महीने का वेतन केशव प्रसाद मौर्य ये भी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया है। विधायक निधि से ना सिर्फ 1 करोड़ रुपए देंगे बल्कि अपना 1 महीने का वेतन भी केशव प्रसाद मौर्य देंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम देशवासियों को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। खासकर जो राजनेता हैं उनको अपनी जिम्मेदारी अब समझनी होगी, आगे आना होगा, लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सरकारें उनके साथ हैं। और यही विश्वास दिलाते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी विधायक निधि में से 1 करोड़ रुपए देंगे जबकि अपने 1 महीने का वेतन भी देंगे। और आम लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि जब राजनेताएं अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में कोरोना को लेकर नई पहल शुरू की गई है। गौतम बुद्ध नगर के भाजपा के विधायकों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने की शुरुआत की है। जेवर विधानसभा से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने अपनी 4 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में सरकार को देने की घोषणा की है। साथ ही जिले के लोगों से भी अपील की है कि वो भी आगे आए और संकट की इस घड़ी में जागरूक होकर नियमों का पालन करें। वहीं दादरी से विधायक तेजपाल नागर ने भी 1 लाख रुपए का चेक डीएम को भेजा है। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील की है। हालांकि इस वक्त दोनों ही विधायक सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाने में तैनात SI अनूप कुमार ने भी अपनी सैलरी से 2000 रुपए हर महीने देने की बात कही है। और एक और बड़ी खबर कानपुर से, लॉकडाउन पर डीएम ने अब कड़े आदेश दे दिए हैं। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। परचून की दुकान, दूध सब्जी की दुकानों पर यह आदेश जारी हुआ है। पेट्रोल पंप भी सिर्फ 11 बजे तक ही खोलने के आदेश हैं। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लॉकडाउन को कितना सीरियसली सरकारें ले रही हैं उतना ही सीरियसली आम लोगों को भी लेना होगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान भी आप बाहर निकलें तो अब कड़ी कार्रवाई आप पर हो सकती है। प्रभात अवस्थी मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, लॉकडाउन को लोग सीरियसली नहीं ले रहे, यही वजह है कि अब प्रशासन सख्ताई कर रहा है और आदेश जारी कर दिए गए हैं, अगर नियम तोड़ा तो कार्रवाई भी की जा सकती है?
बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सरकार है लॉकडाउन की अपील कर रही, लेकिन जो कानपुर के लोग हैं वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, लगातार बिना वजह बेवजह सड़कों पर निकल रहा है, जिसके चलते जो डीएम है यहाँ प्रशासन है उन्होंने सख्ती दिखाई और अब सख्त आदेश दिए गए हैं और पूरे शहर में अनाउंसमेंट कराया गया है कि जो दुकानें हैं जो जरूरी चीजों की दुकानें हैं या सब्जी मंडी है सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर दिखेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलेगी। तो साफ है कि जिस तरह से कल कानपुर में पहला पॉजिटिव केस पाया गया उसके बाद डीएम ने सख्ती दिखाई है, तो वही ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन होने के बाद भी कानपुर में लोग बिना वजह के सड़कों पर टहल रहे थे, तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कल कानपुर में कई थाना क्षेत्रों में अलग अलग धारा 144 का उल्लंघन और इसके तहत कार्रवाई भी की गई है। तो साफ है कि अब जब तक डर नहीं होगा तब तक लोग घरों में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल प्रभात, और देखने वाली बात यह है कि सख्ती का क्या असर होता है और उम्मीद हम यही करेंगे कि लोग समझें कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। और अब खबर मुरादाबाद से है जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। धारा 188 के तहत दोनों पर कार्रवाई हुई है, दोनों ने धारा 144 का उल्लंघन किया था। देखिए अब प्रशासन ने सख्ताई करनी शुरू कर दी है। आप ये समझिए कि सख्ताई प्रशासन नहीं करना चाहता है, सरकार नहीं करना चाहती है। मजबूर ना करें सरकार को, प्रशासन को मजबूर ना करें, लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों पर बैठें, बहुत जरूरी ना हो तो अपने घर से बाहर ना निकलें। रही बात रोजमर्रा के चीजों की तो वो आपको उपलब्ध होंगी, उसके लिए आप अपने परिवार का कोई एक सदस्य बाहर निकलकर सामान खरीद सकता है, लेकिन बेवजह सड़कों पर भीड़ ना करें, अब आप पर कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि मुरादाबाद में हुआ है, दो लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर अब कार्रवाई की गई है। दो लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है, धारा 188 के तहत दोनों पर कार्रवाई हुई है। और अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है जहां सीएमओ ने एलडीए और आवास विकास को पत्र लिखा है। खाली अपार्टमेंट कोरोना पीड़ितों के लिए मांगे गए हैं, खाली अपार्टमेंट्स को आइसोलेट वार्ड में बदलने की बात कही गई है। सीएमओ ने चिट्ठी लिखकर 100 फ्लैट मांगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, तैयारी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी कर रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। देश में 499 मामले सामने आ चुके हैं, यही वजह है कि आइसोलेशन वार्ड की कमी ना पड़ जाए, इसकी तैयारी सीएमओ कर रहे हैं और एलडीए आवास विकास को पत्र लिखा है और जो खाली पड़े अपार्टमेंट हैं वो मांगे गए हैं ताकि वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए और किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी और आवास विकास को सीएमओ ने पत्र लिखा है, खाली पड़े अपार्टमेंट्स जो हैं वो मांगे गए हैं ताकि खाली अपार्टमेंट्स को आइसोलेटेड वार्ड में बदला जा सके। और अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, यमुना एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया है, पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दी है, आपातकालीन सेवाओं के लिए ही सड़क खुलेगी। एक्सप्रेसवे पर लोग लगातार आवाजाही कर रहे थे, कल नियम तोड़ने पर 96 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और अब इस आवाजाही को रोकने के लिए, भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बंद रहेगा, पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही ये बैरिकेडिंग खोली जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक्सप्रेसवे के जरिए कहीं पर जाएं तो घर से मत निकलिएगा, एक्सप्रेसवे पर मत जाइएगा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो बेहतर है इस मुश्किल वक्त में आप सभी अपने घरों पर बैठें। तो यूपी में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर किए गए लॉकडाउन का सही से पालन कराने के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आज सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के तमाम अधिकारियों से बात करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले सोमवार को भी सीएम ने लॉकडाउन के बाद प्रदेश के 16 जिलों में लागू किए गए लॉकडाउन की समीक्षा की। वहीं जौनपुर में कोरोना का एक केस पॉजिटिव मिलने के बाद वहां भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ऐसे में यूपी में कुल 17 जिले लॉकडाउन कर दिए गए हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 25 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को कोरोना वायरस संकट को लेकर संबोधित करने वाले हैं। बुधवार शाम 5 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों के सुझाव और सवालों का जवाब देंगे। इस बारे में पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा है, कोरोना वायरस को लेकर उपजे हालात पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से संवाद करूंगा। 25 मार्च को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बातचीत से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो नरेंद्र मोदी ऐप के कमेंट सेक्शन में जाकर साझा कर सकते हैं। तो ये वो ट्वीट है जिसके जरिए जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर कोरोना के मामलों को रोकने में सफलता क्यों नहीं मिल रही? इसकी एक बड़ी वजह खुद जनता की लापरवाही है, जो कई जिलों में देखने को मिल रही है। लेकिन वाराणसी में पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अनोखी सजा दी। यहां लोगों को मुर्गा बनाया गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत देकर छोड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, आप सभी को अब ये भी समझना है कि अभी तक आपको हिदायतें दी जा रही थी, अभी तक आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासन की सख्ती बढ़ने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोरोना वायरस की जंग को अगर जीतना है तो आप सभी का घरों पर बैठना बहुत ज़रूरी है, और जो नियम बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उन नियमों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, वरना ये तस्वीरें आम हो जाएंगी और कुछ ऐसी ही तस्वीरें जगह जगह नज़र आएंगी अगर आम जनता मनमानी करेगी तो। बरेली में लॉकडाउन के दौरान कई लोग बेवजह सड़कों पर निकल आए, जिन्हें सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया। बरेली पुलिस ने ऐसे लोगों को एक पोस्टर पकड़वाया और फिर उनके फोटो खिंचवाए। पोस्टर पर लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा। पुलिस ने ऐसे लोगों को घर पर ही रहने की चेतावनी भी दी, साथ ही गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। बरेली में भी लॉकडाउन के दौरान भीड़ सड़कों पर दिखाई दे रही थी और जनता कर्फ्यू के बाद, चूंकि कल लॉकडाउन का पहला दिन था, इसलिए अमूमन सभी जगहों पर, कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लोगों को समझाकर छोड़ दिया गया, सख्त हिदायत देकर छोड़ दी गई और ऐसी अनोखी तस्वीर बरेली में देखने को मिली, जहां पुलिस ने चेतावनी तो दी ही, लोगों को समझाया तो, लेकिन साथ में पोस्टर पकड़वाकर फोटो खींच लिया जिस पर लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूं। और देखिए, पोस्टर गलत नहीं है। अगर आप बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं इस संकट की घड़ी में, कोरोना वायरस जिस तरीके से पैर पसार रहा है, तो आप ना सिर्फ अपने बल्कि इस पूरे समाज के, इस पूरे देश के दुश्मन बन रहे हैं। कोरोना वायरस के खौफ के चलते 25 मार्च तक उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। ऐसे में यहां सब्जियों के दामों में काफी उछाल आ गया है। आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उठा ले बेटे, उठा ले, ये उठा ले। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अदरक, लहसुन, हल्दी, पालक से इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। आंत को मजबूत करने के लिए दही का सेवन करें। ग्रीन टी एक स्वस्थ पेय है, रोजाना 2-3 कप ले सकते हैं। पपीता, जामुन और कीवी जैसे फलों का सेवन करें। अपने आहार में अधिक प्रोटीन को शामिल करें। याद करके दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। शराब से दूर रहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इससे बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद लें और तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्राणायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम या अपनी पसंद की गतिविधियों से तनाव को दूर करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हालात और लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है।
क्या हैं ये तैयारियां और किस तरह कोरोना से निपटने की सरकार ने योजना बनाई है, इस बारे में एबीपी गंगा की यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने खास बातचीत की यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से। कोरोना को लेकर लोग गंभीर नहीं है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है। हमारे साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी साहब हैं। सर, जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर, क्या करेंगे आप? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें और डीजीपी साहब को निर्देश दिया है, अभी सिग्नेचर बिल्डिंग में लगभग 2 घंटे हम और डीजीपी साहब ने एक एक जनपद का सभी डीएम एसपीज या वहाँ के सीपीज के साथ जो है फ़ोन पर बात करके, डिविजनल कमिश्नर से बात करके बैठक की में ही सबसे जॉइंटली बात की है। हम बताना चाहेंगे, डीजीपी साहब ने हमने और जो एडीजी एलओ हैं सभी डीएम एसपीज से कहा है कि आप जॉइंटली निकलें, 100% कंप्लायंस सुनिश्चित करें। 3-4 महत्वपूर्ण निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं जो दिए गए हैं। फल और दूध के लिए, फल सब्जी दूध के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि सचल दल जो है भेजे जाएं। तो इस क्रम में जो है डीएम्स जो है डीएसओस के माध्यम से, जिला सप्लाई अधिकारी के माध्यम से दूध वगैरह की व्यवस्थाएं सब कर रहे हैं और मुझे बताने में कोई वो नहीं है कि सभी कंप्लायंस सुनिश्चित करेंगे जिससे कि लोगों को अनावश्यक घर से बाहर ना निकलना पड़े, उनकी लोकेलिटी में ही घर के आसपास ही उनको पूरी व्यवस्था आवश्यक चीज़ों की हो जाए। दूसरा, जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, वहाँ स्केलेटल स्टाफ जो है केवल आए, उनको पासेज इशू करने के लिए शासन का जो कल आदेश हुआ है एपिडेमिक एक्ट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, उसमें डीएम्स को ये अधिकार दे दिया गया है। तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को जो है, जिनको केवल आवश्यक सेवाओं के लिए जो है व्यवस्था करने के लिए पासेज इशू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अब आज से पासेज भी बनने शुरू हो रहे हैं जैसे कि उनको ही केवल निकलने दिया जाए, ये व्यवस्था भी हो गई है। और तीसरा, डीएमएसपी से कहा है कि वो खुद खड़े होकर जो है शहरों का भ्रमण करें, पुलिस जो है पूरा गश्त करे और साथ साथ दिखाई दें, और ये भी काम जो है अब शुरू हो गया है। हमारे जो 16 जनपद हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, गाज़ियाबाद, नोएडा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, आज़मगढ़, प्रयागराज, इन सभी जनपदों के सभी अधिकारियों के साथ जॉइंटली अभी हमारी बैठक हो गई है। सर, जैसे राजधानी लखनऊ में जो पुराना लखनऊ है, हमने दिखाया कि लोग वहाँ अभी लापरवाह हैं, लोग निकल रहे हैं, पान की गुमटियाँ खुली हुई हैं, लोग इस तरह से कैजुअल तरीके से ले रहे हैं, ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे? देखिए, अनाउंसमेंट करना होगा डीएम्स को और सभी पुलिस के गाड़ियों से, नगर निगम गाड़ियों से लोगों का आह्वान करना होगा। कल जनता कर्फ्यू बहुत ही सफल हुआ है, तो जनता से अपील करके उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं के लिए जो है हम कोरोना फैलने से बचाएं, ये पूरा निकल कर सड़क पर इसको इंश्योर करना पड़ेगा। कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी जगह सफलता मिल गई है, जहां नई जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, डीएम्स और एसपीस को सख्ती करने का निर्देश दिया है, 188 में कार्रवाई हो सकती है। एक चीज़ ज़रूर और है कि यदि ब्लैक मार्केटियर्स कहीं मिलेंगे बहुत सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए भी लगाया जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, यही सवाल है कि जो जमाखोर हैं वो सक्रिय हैं, तो एक सख्त संदेश क्या देंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह भी जो है सीनियर ऑफिसर्स को बुलाकर ये सख्ती का आदेश दिया है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, गृह विभाग भी मॉनिटर कर रहा है, फूड डिपार्टमेंट भी मॉनिटर कर रहा है, डीएमएसपी सब कार्रवाई कर रहे हैं, हर हालत में कार्रवाई होगी और निश्चय ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर इस तरह का पकड़ा जाएगा छोड़ेंगे नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। इस समय जहाँ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, वहाँ इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई करता है तो एंटी नेशनल है, इन पर बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, ये 16 जो ज़िले हैं इसके अतिरिक्त भी लॉकडाउन पर विचार हो रहा है? देखिए, जो अभी कोरोना का लोड है वो लगभग 31 केसेस पॉजिटिव आए हैं, उन 31 केसेस में काफ़ी लोग जो है सही भी हो गए हैं जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है। लेकिन अभी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह बैठक की है, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं 51 और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी बेड्स की व्यवस्था करने के लिए, आइसोलेशन वार्ड्स बनाने के लिए, उन पर कोविड के जो बेड्स हैं वो करने के लिए निर्देश किए हैं। प्रमुख सचिव मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के माननीय मंत्री जी
वित्त मंत्री जी जो है अभी इस समय बैठक कर रहे हैं, तो पूरे वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और सख्ती से कार्रवाई हो रही है, और कहीं भी कोई भी दे विल बी नो स्टोन अनटर्न्ड, जिससे कि हम सभी इसको निपटने के लिए करें, जहां भी जो भी आवश्यक कदम होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर कार्रवाई होगी। आखिरी तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपील एबीपी गंगा की तरफ से, आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ये जो लॉकडाउन है ये आपके लिए है, आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा, जरूर फॉलो करें लॉकडाउन को। जब तक जरूरत ना हो घर में ही रहें, वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ उठाएं, अपने परिवार के साथ ही वक्त गुजारें, बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें, घर में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सर्दी खांसी और बुखार हो तो हेल्पलाइन या डॉक्टर से फोन पर सलाह लें, घर में रिश्तेदारों और दोस्तों को ना बुलाएं, पार्टी या मेहमान नवाजी से फिलहाल बचें, सादा खाना खाएं, मसालेदार खाना और मांसाहार से परहेज करें, एसी की जगह पंखे का इस्तेमाल करें।